दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों लगातार हम आपको कृषि विज्ञान मेला पूसा की पड़ताल दिखा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखा रहे हैं, अभी तक आप खेती किसानी में जो है यूरिया, दानेदार यूरिया या खाद का छिड़काव करते हैं या बखेरते हैं अच्छी फसल के लिए, लेकिन अब आजकल लिक्विड खाद का प्रयोग होने लगा है अच्छी पैदावार के लिए और अच्छी तकनीकी से खेती करने के लिए। यह लिक्विड जो केमिकल है और जो खाद है उसका छिड़काव हो रहा है। और ये मशीन मैं आपको दिखा रहा हूं जिसका नाम है यूरिया एनिमोनियम नाइट्रेट यानी UAN, ये एप्लीकेटर है। और किस तरह से ये एप्लीकेटर काम करता है ये हम आपको एक हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके द्वारा बता रहे हैं। और ये पूसा का प्रोडक्ट है और ये किस तरह से काम करता है आइए पड़ताल करते हैं, देखें पूरा वीडियो। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू राम बैरवा है। अच्छा पिंटू राम जी, इसके बारे में बताइए किस तरह से काम करता है आपका ये जो है? मैं डिवीजन एफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग IRIS हूँ। जी जी जी, ये UNA एप्लीकेटर है। इसमें क्या है कि हम यूरिया अमोनियम नाइट्रेट को लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं जब सोइंग करते हैं गेहूँ के, तब उसके साथ गेहूँ की बुआई करते हैं तब उसके साथ में। अच्छा, अभी क्या है जो अभी तक जो चलता आ रहा है उसमें क्या है कि हम ग्रेनुलर फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में हम यूरिया को खेत में बिजाई करते हैं, बाय हाथ से स्प्रेडिंग करते हैं। तो उससे क्या है हमें पूरा जो पेड़ के पास गिर जाता है उसका तो हमें फायदा मिलता है, लेकिन जो पौधे के पास नहीं गिरता, दूर गिर जाता है, उसका हमें यूरिया का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो कहने का मतलब ये है ये बुवाई भी करेगा आपका और लिक्विड फॉर्म में जो है खाद है वो बीज उसमें पहुंचाएगा, जड़ में जहां बीज होगा वहां इसमें लिक्विड फॉर्म में खाद पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों काम करेगा। तो इसमें फाले लगे हुए हैं और इसका आपका ये पीछे से सीड बॉक्स है इसमें। जी जी, जरा इसे खोल के दिखाइए भाई साहब। ये ऐसे सीड बॉक्स है, इसमें हम गेहूं के सोइंग के लिए गेहूं डालते हैं। और अच्छा, इसमें गेहूं डाल दिया जाएगा, कर लेते हैं जिस हिसाब से हमें डालना है उसके हिसाब से मिक्सिंग डिवाइस को सेटिंग कर लेते हैं। जी, 10 अगर हमें 40 केजी पर एकड़ डालना है तो 10 पे सेटिंग करेंगे। जी जी जी, और ज्यादा डालना है 45 डालना है तो 11 पे, 50 डालना है तो जितना बीज डालना है उसकी सेटिंग कर लेंगे हम और इसको बंद कर देंगे बक्से को भाई साहब। और ये जो है इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में खाद कैसे डालेंगे जरा ये थोड़ा नाइट्रेट का घोल बनाते हैं वाटर के साथ मिक्स करके और इन टैंकों में भरा जाता है। जी, तो जो कि हम जो सोइंग करते हैं उसके साथ में गेहूं के जस्ट बगल में ये हम अप्लाई करते हैं। जी, जिससे क्या है कि जो हमें मिलता है इसकी उर्वरक क्षमता, इसकी पूरी पोषक तत्व, पूरी पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। जी, क्योंकि जी, जड़ों के पास में जब गिरता है तो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, पैदावार अच्छी होती है, जहां जड़ है वहीं उसको पोषक तत्व मिलेंगे। इससे पैदावार भी 10-20% प्रोडक्शन में ग्रोथ बढ़ता है। तो आपके ये दो टैंक है भाई साहब और ये आपका यूरिया अमोनियम नाइट्रेट कैसे, मतलब क्या क्या किस टैंक में रखा जाएगा? दोनों टैंकों में वही है, दोनों टैंकों में एक चीज अप्लाई करती है, वो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए, मशीन का बैलेंस बनाने के लिए दोनों टैंकों में भरा जाता है। यस यस। अच्छा अच्छा, ये जो आपका ये इसमें जो प्रेशर लगा हुआ है, ये प्रेशर पंप है, इसके द्वारा हम प्रेशर एक निश्चित क्वांटिटी में लिक्विड जाए उसके लिए प्रेशर पंप का हम ये लगाए हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं आए, बीच में कोई रोकथाम ना हो, वाटर से आसानी से हम अप्लाई कर पाए, नीचे पानी मिट्टी की वजह से छिद्र बंद ना हो प्रेशर। अच्छा, ये जो मशीन है आपकी सिर्फ गेहूं बोने में भी काम कर सकती है या किसी अन्य प्रकार से बुवाई की फसल की अन्य प्रकार से बुवाई कर सकते हैं? गेहूं कर सकते हैं, चना कर सकते हैं, सरसों कर सकते हैं, और भी जो इस तरह की फसलें, मतलब क्रॉप्स, हम दानेदार फसलें हैं उनको हम इससे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसकी कीमत क्या मानेंगे, कम से कम क्या पूसा कोई सब्सिडी दे रहा है या क्या कोई लाभ किसानों को लेना चाहे, देश का कोई किसान इसे खरीदना चाहे? गवर्नमेंट के जो भी उत्पाद हैं जो सब्सिडी सहित ही बेचे जाते हैं, इसकी जो अभी कीमत डिसाइड नहीं हुई है, वैसे इसकी कीमत 1 लाख रुपए के समथिंग है। 1 लाख रुपए, 1 लाख। नया प्रोडक्ट है आपका? नया प्रोडक्ट है जो किसान यदि देश में देखेंगे, हमारे चैनल पर बहुत सारे ग्राहक देश भर के देखते हैं, तो कैसे संपर्क किया जाएगा? कोई ग्राहक इसको पसंद करता है तो आप कैसे संपर्क करेगा? ये नंबर, ये डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये बोर्ड है यहाँ पे, इस पर लगा हुआ है। ये फेमस जगह है पूसा की जी, इसके इंस्टीट्यूट के अंदर आइए और यहाँ पर लीजिए इसको। अच्छा अच्छा, तो ये कब उपलब्ध होगी, क्या अभी रेट तय होगा तो पूछ के तभी तो आएगा जानकारी, कोई फोन नंबर? 6 महीने में लगभग इसका रेट तय हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो फिर भी कोई नंबर जैसे आपसे संपर्क कर सकता है, अपना ही नंबर बता दीजिए। नंबर इंस्टीट्यूट का ही देना चाहूँगा मैं, इंस्टीट्यूट का लीजिए, बताइए। 211 जी, 25 जी, 84 जी, 94 जी, 94 डॉक्टर सतीश सर का दे देता हूँ मैं। जी जी, बता दीजिए। डॉक्टर जो हमारे जिन जिन सरों ने बनाई है, हाँ, उन्हीं का नंबर दे देते हैं। सर नंबर है 9968 जी, 12 जी, सॉरी 9968 1905
04 ये नंबर है। हाँ जी, चलिए चलिए भाई साहब, और ये आपकी दूसरी मशीन हम देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए किसान भाइयों को, ये क्या मशीन ये है? गार्लिक प्लांटर है। अच्छा, गार्लिक प्लांटर है, यानी जो लहसुन जो होता है उसको बोने के लिए बनाई गई है मशीन ये। अच्छा अच्छा, और इसमें क्या है कि हम लहसुन को क्या है कि लहसुन का अगर जो जहाँ से जर्मिनेशन होता है वो पॉइंट अगर नीचे हो गया तो उसका जर्मिनेशन होता नहीं है सही जी, तरीके जी, से जी। तो लहसुन यहाँ रखा जाता है इसमें, इसलिए इसमें 2-3 सीड्स एक साथ जाएंगे तो जो भी पॉइंट ऊपर होगा वहाँ पे जर्मिनेशन 100% होगा। इसीलिए अच्छा, अच्छा। इसलिए कहीं भी इंडिया में है नहीं ऐसी मशीन। अच्छा, तो कहीं भारत में मशीन नहीं है ऐसे, है नहीं लहसुन का प्लांटर। अच्छा, हमारे एक डॉक्टर सर ने बनाया है ये मशीन को। तो इसकी अभी क्या कीमत निर्धारित हो गई है कि नहीं हुई है? इसकी तो कीमत निर्धारित है इसकी 41,924 रुपीज है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये पूसा का ही प्रोडक्ट है? हाँ, ये पूसा की प्रोडक्ट है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। अच्छा, और तो ये बाजार बिक्री के लिए उपलब्ध है क्या? कहाँ से पूसा से मिलेगा? ये तो उपलब्ध है, पूसा से ही मिलेगा। अच्छा, तो ये पूसा से संपर्क किस तरह से किया जा सकता है? इसमें पूसा से संपर्क करने का कॉन्टेक्ट नंबर वही है, पर डॉक्टर पी के साहू सर, अच्छा, इसके इन्होंने ये बनाई है, उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा। तो उनसे हम जब भी कभी अगर ऐसी चाहिए तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की IRI की साइट है, उस पर जाके नहीं आप संपर्क करिए इंस्टीट्यूट की साइट पे, वो आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे जानकारी। कितने समय में कितने खेत में बुवाई कर सकती है लहसुन की, जरा इसके बारे में बताइए। ये तो क्षमता 0.2 हेक्टेयर प्रति घंटे की क्षमता है इसकी जी, और ये 35 HP शक्ति का ट्रैक्टर चाहिए इसको। 35 HP का 3500 का ट्रैक्टर चाहिए, कम से कम इतना चाहिए जी। और इसकी बुवाई की जो उत्पादकता है वृद्धि बेड पे लगाया जाता है, बेड पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा, बेड पे लगाएगा मशीन में। तो ये कम से कम एक बीघा के लिए या एक हेक्टेयर के लिए एकड़ के लिए कितना इसकी आवश्यकता पड़ती है लहसुन के बीज की? ये लहसुन के बीज का तो सर पता नहीं है एक्चुअली में, ये तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कोई कितना डालता है जी 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 जी। तो पर जो भी अगर डिटेल में बात करनी है तो हमारे जो पीके सर उनसे संपर्क किया। हाँ, साउथ सर, आपके ये न्यूमैटिक पूसा बुवाई यंत्र है आपका, ये भी है, इसके बारे में बताइए। सब्जी बोने के लिए है, छोटे बीजों की सोइंग के लिए, सब्जी वगैरह के लिए, जैसे कि कैबेज हो गया, तंबाकू हो गया, इस तरह के जो भी सब्जी के जो बेड पे बोई जाती हैं उनके लिए। इसमें क्या होता है, एक एक सीड पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डाला जाता है जी जी, एयर प्रेशर से सक करके नहीं, जिससे क्या है कि हमें ऐसी परेशानी नहीं होती, सीड टू सीड और रॉ टू रॉ डिस्टेंस इक्वल होता है जी, और आसानी से बुआई करी जा सकती है, जिससे क्या है कि देखने में अच्छा लगेगा और क्रॉप भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, वीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जो रोटो रॉय वाई में वीडिंग भी कर सकते हैं किसी भी। अच्छा, तो ये कितना क्या कॉस्ट इसकी होगी और कितने खेत में काम कर सकता है, कौन सा HP का ट्रैक्टर चाहिए, मशीन चाहिए? इसके लिए 45 HP ट्रैक्टर चाहिए और 0.2 से 0.3 हेक्टेयर प्रति घंटे की इसकी क्षमता है। और इसके लिए क्या पूछ रहे थे, इसका कितना, इसके कैसे कितनी कीमत? कीमत तो इसकी लगभग 1.5 लाख रुपये का समथिंग है। अच्छा 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 अच्छा, इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए का समथिंग है। अभी एक्चुअली मैं बता दूंगा क्योंकि आंटे, अच्छा, भिंडी बोने का। हाँ, भिंडी बोने का जी, ये जो हम आपका देख रहे हैं ओकरा प्लांटर है, यानी भिंडी की बुवाई के लिए मशीन है ये, है ना? यस सर। और ये जो है यही पूसा का प्रोडक्ट है ये भी? हाँ जी हाँ जी, पूसा का प्रोडक्ट है ये भी। और ये 35 HP का ट्रैक्टर चाहिए, 2 हेक्टेयर प्रति घंटे में ये बुवाई कर सकती है। 0.2 इसका भार है, इसका 22 यानी 220 किलोग्राम वेट है इसमें, है ना जी? हाँ जी। तो ये इस मशीन इसकी क्या तारीफ क्या है, इससे भिंडी बोएंगे तो क्या लाभ मिलेगा किसानों की खेती में? ये भिंडी बोएंगे तो इससे क्या है कि हमारा रोटर रो बना रहेगा, और जिससे क्या है कि पैदावार भी बढ़ेगी और अच्छे से फले फूलेगा पौधा जी। और भिंडी के लिए एक्चुअली में क्या, अभी तो वैसे ही फेंक के बोते हैं जी जी किसान जो करते हैं, बिखेर के बोते हैं। इसमें रोटर रो एक प्लांटर बनाया है कि इस तरीके से बोइए और जिससे पैदावार भी बढ़ेगी, और इससे क्या है कि आगे से हार्वेस्टिंग करने के लिए या फिर तोड़ने के लिए भी आसानी रहेगी। ये मैट भी बनाएगा इसमें? हाँ, मैट भी बनाएगा, मैट होगा छोड़ के जाएगा, मैट बनाएगा, गुल से कहते हैं गुल पर बोएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गुल पर बोएगा और बिल्कुल सही तरीके से बोएगा। बीज इसमें रखना पड़ेगा? हाँ, बीज, ये सीड बॉक्स है। अच्छा, सीड बॉक्स है, ये सीड बॉक्स है, इसमें डालेंगे और ये घूमती रहेगी रोटरी डिस्टेंस बाई डिस्टेंस पे, ये रोटरी घूमती। अच्छा, ये बीज जो है खाना इसका है,
ये जो ये खाना है ये बीज लेगा, एक एक बीज डाल देगा और उसमें एक जगह बीज पड़ जाएगा और डिस्टेंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगी, आगे इक्वल डिस्टेंस पे सीड। तो इसकी क्या कीमत मानो, कम से कम ये क्या पूसा का ही प्रोडक्ट है? हाँ, ये भी लगभग 40,000 रुपए समथिंग कीमत, 40,000 रुपए की। ये सब सब्सिडी सहित है? हाँ, ये सब्सिडी सहित, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में बनाई जाती है मशीन, इसमें कोई प्रॉफिट। कोई भी ग्राहक यदि इस मशीन को खरीदना चाहे तो आप पूसा में संपर्क कर सकता है। और जो पूसा की इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, आपकी डिवीजन कौन सी है उसका नाम बता दीजिए, वहाँ का नंबर। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मैं नंबर लास्ट में दे दूंगा अभी आपको। चलिए चलिए चलिए। और एक आपका ये हम देख रहे हैं मशीन, जो आपकी गाजर का प्लांटर है, ये है ना, जो गाजर हम आजकल गाजर भी लोग जो वैसे ही ज्यादातर गांव देहात के इलाके में लोग बखेर के बो देते हैं, लेकिन हाँ, ये भी डॉल पर बोएगा गाजर। हाँ, ये भी क्या है कि बेड पे प्लांटिंग के लिए गाजर के लिए एक मशीन बनाई गई है। इसमें क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ता है ना कि घटता है। ये 3500 इससे क्या है कि हाँ, इसके लिए 3500 हॉर्स पावर का 5 हेक्टेयर में एक घंटे में 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटे की इसका क्षमता बनाई है। हाँ, ये मतलब एक बेड पर 4 कतार रो में ये प्लांटिंग करेगी। जी जी जी। और इसमें आपका बीज डाल सोइंग करेगी, इसमें सीड बॉक्स है, सीड बॉक्स में एक एक सीड करके नहीं डालेगा निश्चित डिस्टेंस पर। जी। और दो बेड लगाते हैं इसमें, लगभग 14 इंची का एक बेड रहता है जी। और दो बेडों पर 4-4 रो के हिसाब से 8 रो चलती हैं। तो ये गाजर की प्लांटिंग के लिए, क्योंकि इसमें हार्वेस्टिंग करना भी आसान हो जाता है। जी जी जी। इसके लिए हार्वेस्टिंग प्लांटर भी है, जिसको हार्वेस्टर भी खुदाई के लिए, गाजर का हार्वेस्टर प्लांट है। नहीं, ये गाजर का नहीं, ये तो एक्चुअली में उसका है, लहसुन का प्लांटर है। ये भी लहसुन का, ये भी लहसुन का, ये मशीन कुछ तरह का है। ये किस तरह एक एक सीड गिरेगा? जी जी, इसमें एक एक बीज यहाँ से ले जाएगा, उठाएगा सीड बॉक्स में और इसमें डाल देगा। ये भी ऐसे ही रिज पे बोने के लिए। जी 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 जी। ये इस तरह से आपकी मशीन चलेगी, ग्राउंड व्हील के जरिए, ग्राउंड व्हील जैसे। जी जी जी। तो एक सीट उठाएगा, ये रोड पर डालेगा। 33 HP का ही चाहिए इसके लिए भी। इसकी क्या कीमत माने जी? इसकी कीमत भी 40,000 रुपए का समथिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी कीमत भी 40,000 रुपए बता रहे हैं? इसकी तो ये गाजर के प्लांटर की कीमत ज्यादा है, इसका तो लगभग 86,000 रुपीज का समथिंग है। अच्छा अच्छा। तो ये जो है, आपसे कोई ग्राहक संपर्क करना चाहे पूसा का प्रोडक्ट? हाँ, तो डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग IRI की साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं डिवीजन के रूप में। जब उस पर फ़ोन नंबर भी अवेलेबल हैं, साइट भी अवेलेबल है, आपको जिस अलग अलग साइंटिस्ट से बात करनी है वो भी आप बात अवेलेबल है, उनसे वैज्ञानिकों से भी जो बात हो सकती है, उनसे राय लो, उनसे पूरी तरीके अपने एरिया के हिसाब से जानकारी लिया, जानकारी लो, कौन कौन सी क्रॉप आपके वहाँ पर लगती है, कौन कौन सी वैरायटीज अलग अलग उगा करके बढ़िया लाभ कमाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डाबरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।